जय श्री राम दोस्तों, आज अग्निवीर टीम को एक माहिती मिली कि उमर थाना का सरफराज शेख जो बहुत बड़ा गो तस्कर है मालेगांव का, तो वो गुजरात से उसकी महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी गुजरात के ग्रामीण विस्तार में भरने के लिए आई हुई थी। तो भरते समय उनको हमने पकड़ लिया था, उसके अंदर 6 गोवंश थे जो कतल के इरादे से भरे थे और दूसरी जगह भरने जा रहे थे। ये जो सरफराज शेख है उसकी कम से कम 25 पिकअप है जो एक गोश्त तस्करी में चलती है, और ये मालेगांव से सब बहुत बड़ा गोश्त तस्कर है, और उमर थाना सुरगाना के इसके बहुत बड़े दलाल है, जैसे समाधान है, इरफान काले है, पापिये है, और पाँच और जो है जो इनके साथ में काम करते हैं। ये देखिए इनकी स्थिति गोवंश की, इस तरह से भरे हुए थे। अभी जो सबसे बड़े दुख की बात यह है कि ये गाड़ी का मालिक एक हिंदू है, उसको सिर्फ 5,000 रुपये उसको पकड़ देते हैं, 5,000 का जो उसका भाड़ा होता है। हम लोग बोल बोल के थक गए कि हिंदू तुम बेवकूफ़ बना, तुमको ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, तुमको यूज़ करते हैं। ये गाड़ी, अब ये गाड़ी गई, ये छूटने वाली नहीं, मरेगा कौन, हिंदू मरता है। दूसरा कि ये जब ये गाड़ी वहाँ लेके जाते हैं, ये गोवंश खाली करते हैं, उसके बाद उनको पैसा मिलता है। हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं लोगों के, भाई हिंदुओं से कहते हैं कि इनके साथ में आप धंधा मत करिए। अब हमारा, हमें भी दुख होता है कि हमारे हिंदू आदिवासी भाई अपनी रोजी रोटी के लिए उसे भी पिकअप लिया था, वो भी छूटने वाले नहीं है। इसीलिए जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी ये पिकअप वाले, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप ये तस्करों के साथ में काम ना करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको यूज़ करते हैं, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि अभी ये गाड़ी पकड़ा गई, अब नुकसान किसका होगा, पिकअप वाले बस हमारे हिंदू आदिवासी भाई का ही होगा। तो इसलिए सर जितने भी जो कर रहे हैं, इनको सपोर्ट दे रहे हैं, ये सब बंद करते हैं। जय श्री राम। जय श्री